हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर एकेडमी। क्या आप PGCIL का फॉर्म भर चुके हैं? क्या आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं? अगर फॉर्म नहीं भरा है तो वीडियो अच्छे से देखें, और अगर फॉर्म भर दिया है तो और भी अच्छे से देखें। PGCIL की प्रिपरेशन और उसका प्रीवियस ईयर एनालिसिस यहां पर मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं। कैसे एग्जाम में आपकी स्ट्रेटेजी रखनी है और ये तमाम बातें कि भैया पिछला वैकेंसी कैसा था, कितना कट ऑफ था, इसके अलावा निम्बस लर्निंग इसके लिए क्या करने वाला है, और आप लोग कैसे इतने कम समय में एकदम तगड़े तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, PGCIL की वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, और PGCIL ने 2022 के बाद 2023 में लगातार वैकेंसी रिलीज कर दी, और पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी बहुत ही अच्छे अमाउंट के अंदर आई है। डिप्लोमा ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए ये जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ब्रांचेस के लिए आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 425 रखी गई है। अब बात करें कि PGCIL सर है क्या, जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि PGCIL एक महारत्ना एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन और कंट्रोल का काम करती है। किसका? पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन लाइंस का। पूरे इंडिया में ट्रांसमिशन को 5 ग्रिड्स में बांटा गया है, और उन ग्रिड्स के अंदर भी सब ग्रिड्स बांटे गए हैं जिनके अंदर हर साल या हर अल्टरनेट ईयर वैकेंसी आती रहती है। अगर मैं बात करूं इस साल की वैकेंसी की, तो ये जो वैकेंसी है इस बार इलेक्ट्रिकल में 344 बहुत ही बल्क में वैकेंसी आई है, 344 इलेक्ट्रिकल, सिविल 68 और इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 है, और इसमें केवल डिप्लोमा अलाउ है, यानी बीटेक स्टूडेंट्स इसमें अलाउ नहीं है, जिन्होंने बीटेक प्लस डिप्लोमा किया है। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है जिन्होंने अपना बीटेक शो किया और उनको डीवी के बाद में बाहर कर दिया गया, भले ही उन्होंने डिप्लोमा किया हो, क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन में उनको यह रहता है कि आप उन्हें छोड़ करके किसी और अच्छे इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने बीटेक प्लस डिप्लोमा किया है तो आपको रिस्क है, अगर आप प्योर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को इजीली फिल करके और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर एज की, तो 27 ईयर्स का क्राइटेरिया रखा गया है, और इसमें वैकेंसी 25,000 से 1,17,500 और प्लस 3% यहां पर दिया गया है आप लोगों को। तो सैलरी का जो है वो इन हैंड प्रोबेशन पीरियड के खत्म होने के बाद आपका इंक्रीज हो जाता है। 344 पोस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 पोस्ट है, और ये बहुत बड़ा हाईलाइट है यहां पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, तो जो पिछली बार से पेपर देते रहे उन्हें भली भांति प्रकार पता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, पर जो पहली बार इस पेपर को देने वाले हैं वो अच्छे से देखिएगा। आपका यहां पर पेपर जो होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, और इसमें दो पार्ट रखे गए। पहला पार्ट 120 नंबर का जो टेक्निकल का है आपका, जिसमें कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज होने वाला है, उसमें सिलेबस क्या है वो सारी चीजें डिटेल में हम अगले वीडियो में लेकर के आए हैं। अभी आपको जनरल PGCIL के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और इस वैकेंसी के बारे में स्पेशली डिस्कस कर रहा हूं 120 नंबर टेक्निकल के, और नॉन टेक्निकल के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को वोकैबुलरी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डेटा सफिशियंसी और इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे टॉपिक पूछे जाएंगे। सही जवाब 1 नंबर, गलत जवाब 1/4, यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि वैकेंसीज जो है उसके अंदर सर मिनिमम जो पास होने का क्राइटेरिया वो क्या है, तो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स ईच सेक्शन में लाने जरूरी हैं, और कंबाइंड मिलाकर के 40% मार्क्स होने जरूरी है, जबकि अदर जो भी कैटेगरीज हैं उसमें इंडिविजुअल 25-25%, मतलब पार्ट वन में 25 और पार्ट टू में भी 25%, और अगर उनको कंबाइंड किया जाए तो 30% एग्रीगेट होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख करके अपने प्रिपरेशन को करिएगा, क्योंकि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक बहुत जरूरी है इसके अंदर। अगर बात करें स्टार्टिंग डेट, तो 1 तारीख को इसका फॉर्म निकल चुका है, और आप इसका फॉर्म अगर नहीं भरे हो अब तक तो वीडियो के एंड होते ही तुरंत इसका फॉर्म जरूर भर दें। इसकी लास्ट डेट है 23 तारीख, और इसका टेंटेटिव एग्जाम अगले ही महीने अक्टूबर में रखा गया, जो कि बहुत कम है। पिछली बार की वैकेंसी के कंपेरिजन में इस बार समय सिर्फ 1 महीना दिया गया, जबकि पिछली बार तकरीबन 4-5 महीने का गैप था, जो मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पिछली बार के नंबर ऑफ पोस्ट और कट ऑफ कितने रहे, और इस बार आपको कितना एग्जाम में नंबर फोकस करके चलना है, इसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फॉर्म निकल चुका है दोस्तों, फॉर्म भरें जल्दी से जल्दी, और अक्टूबर में इसका एग्जाम है। कैसे प्रिपरेशन करनी, इतना जल्दी कैसे करेंगे, अभी बताएंगे इसको
भी आपके साथ में चिंता ना करी। बात करें कि पिछली बार वैकेंसी केवल 177 थी, इस बार जो है वो 324 के आसपास वैकेंसी आई है। जब लगभग वैकेंसी जो है वो 300 से ऊपर जब है तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छा इस बार चांस आप लोगों का बन रहा है। सिविल में 23 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 11 पिछली बार थी, और यहां पर भी सेम एज क्राइटेरिया और सैलरी था, और यहां पर भी केवल डिप्लोमा अलाउ था। तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार आपके वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिख गया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसीज को, जगह जैसे नॉर्थ रीजन है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ईस्टर्न रीजन को 2 पार्ट में, सदर्न रीजन को 2 पार्ट में, वेस्टर्न रीजन के 2nd पार्ट में, और सीसी मतलब सेंट्रलाइज जो होता है उसके अंदर वैकेंसीज थी। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस प्रकार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल पिछली बार 211 वैकेंसी थी, इस बार 425 है, यानी कि जस्ट डबल वैकेंसीज हो चुकी है। दोस्तों इस बार सिलेक्शन लेना ही है अपने को, और प्रिपरेशन एकदम कड़क तरीके से कैसे करनी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, इसलिए देखते रहिएगा वीडियो को। तो ये भैया जो एनआर जोन है उसमें देखिए इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा डिटेल में कंपैरिजन यहां पर दिया गया है कि कितना कितना किस किस जोन में वैकेंसी था। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कि पिछली बार सर एग्जाम में क्या स्टेटस था, तो 9 तारीख को भैया एग्जाम का फॉर्म निकला था, 31 तारीख लास्ट डेट थी 2022 में, दिसंबर में निकला था पेपर 2023 में, इस साल 5वें महीने में हुआ। तो देखिए आप यहां पर आपको 5 महीने का गैप, यहां पर 4 महीने का गैप तो पूरा मिल गया, 5 दिन और एक्स्ट्रा मिले आपको, और एग्जाम डेट से काउंट करें मतलब स्टार्टिंग डेट से, तो 5 महीने का आपको समय मिल गया था, यानी इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का मिल रहा है समय। तो इन 2 महीनों में पिछली बार के कंपैरिजन में कैसे तैयारी अच्छी रखनी है, हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है पर समय कम दिया गया है फॉर्म निकलने के बाद से, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहें। रिटर्न टेस्ट जो है वो 5वें महीने में हुआ, रिजल्ट इसका 6ठे महीने में रिलीज कर दिया, और कट ऑफ और डीवी इसकी 6ठे महीने के एंड में रिलीज कर दी गई है, और इंजीनियर्स एकेडमी से भर भर के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनके वीडियोज ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, उनकी स्ट्रेटेजी और उनके सिलेक्शन के किस चीज का हाथ रहा है उसके लिए आप जरूर देखिएगा। हमारे जितने भी टॉपर स्टॉक है उसमें पीजीसीएल के इस बार जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा। और भी समय पर हम आपके साथ में जो टॉपर सेलेक्ट हुए हैं हमारे यहां से पीजीसीएल के अलग अलग जोन में उनके वीडियोस आपके साथ में शेयर करेंगे, ताकि इन 2 महीनों के दौरान आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सके, इसका भी हम वादा करते हैं। बात करें जोन वाइज कट ऑफ की, आप देखिए परसेंटेज में कट ऑफ है, 64% हाइएस्ट कट ऑफ गई है यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की एनआर 1 में, फिर 56% एनआर 2 के अंदर गई है, 63% एनआर 3 के अंदर गई है, ईआर 1 के अंदर 66%, ईआर 2 में 62%, एसआर 1 में 62%, एसआर 2 में 60% और डब्ल्यूआर 2 के अंदर 63% गई है। यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप परसेंटेज मार्क्स, आपको बताया है अनरिजर्व कैटेगरी को ओवरऑल 40% क्राइटेरिया पास होने का, और कट ऑफ कितनी गई है 64% मैक्सिमम गई है, 66% यहां पर है। तो अगर आप सेफ साइड लेकर चलना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 70% मार्क्स का टारगेट करके चलना है। भले ही नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है मगर हर साल प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स का कंटेंट बढ़ता चला जाता है और कॉम्पिटिशन का लेवल लगभग कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए आप लोग अपना टारगेट सेट करें तो 70-75% सेट करके चले, ताकि आप कट ऑफ को पार कर पाए। नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ी कम जाए, मगर आप 75% का अगर मिनिमम टारगेट लेके चलेंगे तो कंफर्म है जीत आपके कदम चूमेगी, और पीजीसीएल का जो भूरे कलर का लिफाफा है वो आपके घर में जरूर आएगा, आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर। तो ये जोन वाइज कट ऑफ है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं अपना टारगेट इंडिविजुअल। मैं मैक्सिमम टारगेट की बात करूंगी, 75% होना ही चाहिए। अब बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी कट ऑफ मैंने यहां पर शो कर दी है, मैक्सिमम यहां पर 56% है, तो आप अगर 55-60% के आसपास लेकर के आते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़िया। अब बात करें कि तैयारी कैसे करनी है सर, पिछली बार के कंपैरिजन में वैकेंसी डबल, टाइम आधे से कम, पोस्ट 1 नंबर, पेपर का लेवल हाईएस्ट, मतलब कि आपको मैं ये बता दूं, इंश्योर कर दूं कि पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन यूट्यूब पे किए हैं, आप देखिएगा लेवल बहुत ही उम्दा रहता है, एसएससी जेई से इसके लेवल की बात करें तो 2-3 कदम ऊपर रहता है इसका लेवल। तो इस 2-3 कदम ऊपर अपनी प्रिपरेशन को लेकर के जाना है, प्रीवियस स्टेज से आगे जाना है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, और इसी एम्पलीफाई करने के लिए हमने बैच लॉन्च किया है, एम्पलीफायर बैच। जी हां,
PGCIL का एम्पलीफायर बैच। सर एम्पलीफायर का मतलब क्या? एम्पलीफायर का मतलब है अपनी प्रिपरेशन को एम्पलीफाई करें, अपनी प्रैक्टिस को एम्पलीफाई करें, अपनी तैयारी को एम्पलीफाई करें, अपने लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी को एम्पलीफाई करें और पिछली बार हुई गलतियों को ना दोहराते हुए अपनी सटीकता को एम्पलीफाई करने के लिए आपके लिए स्पेशली बैच लेकर के आए हैं हम, एम्पलीफायर बैच फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इस बैच में मिलने क्या वाला है सर और इसका क्या स्टेटस, क्या मतलब तरीका है ये जरा जल्दी से बताओ। तो देखो दादा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का और पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल का क्या स्टेटस है भाई? टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी और पीजीसीएल के पूछे हुए क्वेश्चंस भी। क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, एकदम जीरो लेवल से उठा कर गए एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है क्योंकि इस पेपर का लेवल बहुत तगड़ा रहा है। तो आपने प्रिपरेशन पहले करी है, आपने थ्योरी पहले पढ़ी है, मगर आपको लास्ट मोमेंट पर जरूरत है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। जिसने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है उसका सिलेक्शन तय है। आप जाकर के देखिएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट का जो वीडियो हम डालते हैं उसमें हर स्टूडेंट ये कहता है कि सर 6500 वाली एमसीक्यू या फिर जो नया वाला स्मार्ट एडिशन आया अगर उसको 2-3 बार हाथ से लगा लिया तो सर टेक्निकल में तो बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्हीं क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और पीजीसीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एकदम खूबसूरत मिश्रण करके हम लेकर क्या है इस एम्पलीफायर बैच के अंदर, जहां पर आपको बेसिक से एडवांस मिलने वाला है, डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का एकदम धागा खोल दिया गया। एक क्वेश्चन से पूछे कितने और क्वेश्चन जा सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन से छिपे हुए कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन की थ्योरी डिस्कस की जा रही है ताकि आप अगर यहां पर क्वेश्चन एक करें तो 3 क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन तैयार कर लें अपना। तो अगर 100 क्वेश्चन भी होते हैं तो प्रिपरेशन 300 क्वेश्चन की हो जाती है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां कराया गया है, लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सेसिबल है 24/7 और ये प्राइस ऑफर इसका 1000 रुपए की जगह सिर्फ 500 रुपए में, यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस विथ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है सिर्फ 500 रुपए में और इसका वैलिडिटी होने वाला है 3 महीने, यानी कि आपको अगले 3 महीने में, यानी जो लोग एसएससी जेई के लिए भी चाह रहे हैं जो अक्टूबर में मिलने वाला है और जो पीजीसीएल के भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, इन दोनों के लिए ये बैच आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है और ये ऑफर आपके लिए 14 सितंबर तक रखा गया है। यानी कि इस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप 14 सितंबर तक इस बैच में एनरोल होते हैं एम्पलीफायर बैच के अंदर, तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप। निम्बस लर्निंग के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप सर्च करिएगा एम्पलीफायर, आपको इलेक्ट्रिकल का बैच मिल जाएगा 14 तारीख तक 500 रुपए में। इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर दे दादा। एम्पलीफायर बैच ना केवल आपकी प्रिपरेशन को एम्पलीफाई करेगा, आपके सपनों को भी एम्पलीफाई करेगा, आपके मंजिल तक के पहुंचने के रस्ते के अंदर आपकी स्पीड को भी एम्पलीफाई करेगा। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो एम्पलीफाई करिए अपनी प्रिपरेशन को निम्बस लर्निंग के एम्पलीफायर बैच के साथ में और जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए निम्बस लर्निंग का मोबाइल ऐप और जुड़ जाइए। इस एनालिसिस से आपको आइडिया होगा कि पिछली वैकेंसी से इस वैकेंसी में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज हैं। और भी पीजीसीएल से रिलेटेड डिटेल वीडियोस हम लेकर के आएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको पीजीसीएल से रिलेटेड स्पेशल क्या और चीजें चाहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करके उनको फायदा पहुंचाएं। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ निम्बस लर्निंग। निम्बस लर्निंग या फ्यूचर की तैयारी। थैंk यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.